अपने हाथों को उठाओ, आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी को बदले, मैं उसे ग्रहण करूं। मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय की लाइन को पढ़ेंगे। पत्रस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहन, माता पिता या बाल बच्चों और खेतों को छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए और भाइयों, बहनों, माताओं, बाल बच्चों, खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इस वचन के लिए जोर से बोलो आमीन, ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आज जो वचन मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले जब मैं पहले दिन कॉलेज में गया, मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा उधर, क्योंकि वो चंडीगढ़ के पास था, चंडीगढ़ के लड़कों को देखा। वो लड़ने में बहुत तेज थे, ऐसे स्टूडेंट्स थे, लड़ाई में बड़े तेज थे, लड़कियों के लिए बड़े वो अट्रैक्शन का कारण थे। एक लड़का जिसके पटे थे यहां तक लड़कियों के जैसे जैसे लंबे लंबे उसने बाल रखे हुए थे, सब उसको देख के बोलते थे वाओ, लड़कियां बोलती थी वाओ, लड़के बोलते थे क्या बात है, बदमाशी में ये वो, एक आइकॉन था वो। नशों में चला गया, नशों में था, आज वो इस दुनिया में, उसको छोड़े हुए इस दुनिया को 15 साल हो चुके, शायद 14 साल हो चुके। दुनिया उसको एडमायर करती थी लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं, मर चुका है। बहुत से ऐसे लोग नशा करते मेरे साथ, मेरे दोस्त, वो मर चुके आज दुनिया में नहीं। मैं बचाया गया हूं इसलिए आपके सामने खड़ा हूं और जीसस का थैंक्स करता हूं कि मैं जिंदा हूं आज, उनकी तरह मरा नहीं हूं, क्योंकि उसी कॉलेज में मैं था, उससे ज्यादा नशों में मैं चला गया था। आज सिंपल हम उसी तरह सेलिब्रेट नहीं करेंगे जिस तरह आम हम रीति रिवाजों के साथ करते हैं। आज आप वचनों को सुनेंगे और उसे उस पर चलेंगे और मेरा बिलीव है आपकी लाइफ आज सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। लोग उसको एडमायर करते थे, लाइफ आपको ज्यादा मौके नहीं देती। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा वो परलोक में अनंत जीवन भी पाएगा और मैं यहाँ पर उसको घर भी दूंगा, यहाँ पर खेत भी दूंगा, यहाँ पे भाई भी दूंगा, यहाँ पे लोग भी दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर तूने मेरे लिए छोड़ दिया कुछ, अपने भाई को छोड़ दिया क्योंकि तू मसीह में आया, तेरे भाई ने तेरा विरोध किया, तूने दोस्त को छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए घर को छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए खेत को छोड़ दिया, परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें सिर्फ अनंत जीवन दूंगा, तो सिर्फ ऊपर देख। उसने कहा माता पिता, घर, बहन, भाई, खेत, घर, 100 गुना सब कुछ मैं दूंगा जो तुम मेरे लिए छोड़ देगा। जो लोग आज विश्वास में हैं, आप हर एक चीज को 100 गुना काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। चुनाव हमारे सामने है, हम दुनिया की चकाचौंध में रहकर मरना चाहते हैं? जिनको दुनिया अपना आइडल मानती है उनको देखकर उनके पीछे नरक जाना चाहते हैं, या अपनी लाइफ आज यीशु मसीह को देना चाहते हैं? यहां कोई आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं आया, यहां कोई गवाही खरीदी नहीं हुई, ये हर संडे का काम है, हर थर्सडे का काम है। 17 साल से टेस्टिमनी चल रही है, 17 साल सिर्फ ये मिनिस्ट्री में, बाकी तो हजारों सालों से चल रही होंगी। आज आपको डिसीजन लेना है कि मुझे यीशु मसीह को अपना जीवन देना है, मुझे क्राइस्ट को अपनी लाइफ देनी है और अनंत जीवन प्राप्त करना है और धरती पे भी अच्छा जीवन जीना है, तो या मुझे उन्हीं की तरह मरना है जो इस दुनिया में मर गए। परमेश्वर ने कहा क्या फायदा होगा तुम्हें कि सारी दुनिया तुम्हें चाहे और लेकिन तुम्हारा प्राण नष्ट हो और तुम्हारी आंखें जब खुले तो नरक में खुले। आप तैयार हो बदलाव को देखने के लिए? ये दुनिया गवाह है, कोई बदलाव अपने आप नहीं हुआ। अगर आप दुबई में जाएं तो आप देखेंगे कि 30-40 साल पहले वहां पे कुछ नहीं था। आज दुनिया का हर व्यक्ति दुबई में रहना चाहता है, पता है क्यों? वहां की सेफ्टी, वहां के सिस्टम, वहां की चीजें, वहां का हर एक चीज लोगों को पसंद आ रही और सेलिब्रिटीज भी वहां जाके रहना चाहते हैं। अगर आप न्यूज पढ़ते आपको मालूम होगा, लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं हुआ। उस देश को चलाने वालों ने यह फैसले किए और उन फैसलों के कारण वो देश बदला है या ना। चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप यहां पर पहली बार आए, आपको ये वचन अगर ध्यान से आपको समझ आ गया, आपकी लाइफ, मैंने कहा 2022 में चेंज नहीं होगी, आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के नाम। बोलते ना पंजाब में कि झंडे गाड़ देते हैं,
मेरे को परमेश्वर की ये वर्डिंग है, आप झंडे गाड़ोगे 2022 में। अब ये होगा कैसे? इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द बाइबल में नहीं, इत्तेफाक नाम की कोई चीज बाइबल में नहीं। अगर आप जिस फैमिली में पैदा हुए ये इत्तेफाक नहीं, जो लाइफ में आपके चैलेंजेस आए ये इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का किया हुआ प्लान था। अगर आपकी लाइफ में बीमारियां और आपको प्रॉब्लम्स ना आती, आप आज यहां ना बैठे होते, मैं यहां प्रीच ना कर रहा होता। अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया होता, वहां अपनी लाइफ सेट कर ली होती, लेकिन परमेश्वर ने कहा जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया अपने कामों के लिए, कि तू मेरे कामों को जगत में प्रदर्शित करे। आप सब लोग चाहते हो बदलाव देखना, अब ध्यान से कान खोलकर वचनों को सुनना। प्रेरितों के काम 16 बाब उसकी उस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। लिखा, भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी बड़ी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि उस जेल की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पूरी चर्च बोले आमीन। आप बदलाव देखना चाहते हो? परमेश्वर ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को, क्लियरली, अगर क्रिश्चियन लोग, अगर मसीह लोग, अगर ये चर्च बदलाव देखना चाहती है, तो आज से, कल से आपको रात की प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन है। मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा, सिचुएशन चेंज होने वाली, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा, आप झंडे गाड़ेंगे 2022 में, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। मैंने आपको इसका इब्रानी मतलब समझाया था, उसका मतलब कोई भी अपने आप को तेरे सामने पेश नहीं कर पाएगा कि मैं फलाना हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को पेश करता हूं, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा बोस हूं, देख तेरी कैसे मैं बैंड बजाता हूं। परमेश्वर ने कहा कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आधी रात के वक्त, उससे पहले क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा जो थी लोगों को भविष्य बताती थी और उसके बाद पैसे लेती थी और अपने मालिकों को देती थी। जब वो औरत पौलुस के पीछे आ रही थी, पौलुस को गुस्सा चढ़ा और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा निकली तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ये विरोध लोगों के बीच में से होकर करती है। शैतान आपका डायरेक्ट विरोध नहीं करता। देखा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों, प्रधान हाकिमों, दुष्ट आत्माओं में भी रैंक्स हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं देशों के लोगों के ऊपर कब्जा करके देशों को चलाने की कोशिश करती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो एरिया के ऊपर कब्जा करती। किसी किसी एरिया में आपको मालूम होगा कि सिर्फ किडनी के रोग ज्यादा हैं, किसी किसी एरिया में सिर्फ कैंसर के रोग ज्यादा हैं। फिर दुष्ट आत्माएं लोकल लेवल पे काम करती, जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है पुलिस का, कोई हवलदार है, कोई SSP है, कोई DGP है, दुष्ट आत्मा भी स्ट्रक्चर में काम करती। अब जब दुष्ट आत्मा निकाली तो विरोध कहां से होगा? डायरेक्ट तो दुष्ट आत्मा बोलने नहीं आएगी, उसने लोगों के बीच में से विरोध किया और पौलुस और सिलास को पकड़ के उन्हें बैंते मारी और जेल में बंद करके उनके पांव को, टांगों को काठ में, लकड़ी में यीशु मसीह की तरह ठोक दिया। और एक बात याद रखो, आप यीशु मसीह के लिए मरने के लिए नहीं बुलाए गए, वो मर चुका आपके लिए, आपको आप जीने के लिए बुलाए गए, आप लंबा जीने के लिए बुलाए गए, आप सामर्थ्य के साथ प्रीच करने के लिए बुलाए गए। अब पौलुस को यह बात मालूम थी कि मैं मरने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। जब चेलों ने उसपे, जब लोगों ने उसपे पत्थर मार करके उसको मारा, मरा समझ के चले गए, इतने पत्थर मारे, तो पौलुस ने एक बार भी नहीं कहा स्तिफनुस की तरह, मेरी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण कर। वो चुप रहा, उसे मालूम था जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगा मेरी लाइफ कोई नहीं ले सकता। और जैसे चेले आके पौलुस के पास खड़े हुए, पौलुस उठ खड़ा हुआ और फिर से अपने काम पे लग गया। आपको मालूम है कि नहीं? अब ये पौलुस जो था ये सीक्रेट जानता था, ये भेदों को जानता था। पौलुस आम व्यक्ति नहीं था,
पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं बाइबल में सबसे ज्यादा कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की हैं। नए नियम में आधे से ज्यादा जो नियम है, जो बाइबल है नए नियम की, यीशु मसीह के बाद की, वो पौलुस ने लिखी। पौलुस भेदों को जानता था, उसे मालूम था कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। और बाइबल कहती आधी रात के वक्त, उनसे पढ़ेंगे फिर से, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जब उनके पांव को काठ में ठोका हुआ था, वहां पर वो बैठकर माफीनामा लिखने की तैयारी नहीं कर रहे थे कि एक सरकार को माफीनामा लिख देते हैं, हमें माफ कर दीजिए, आपके एरिया में दोबारा प्रीच करने नहीं आएंगे। बाइबल कहती आधी रात के वक्त वो उठे, हाथों में जंजीरें, कहा कोई बात नहीं, ढोलकी नहीं जंजीरें बजाते हैं, ठप 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 ठप, चल तू गाएगा। वो गा रहे और वो बजा रहे और तालियों के साथ आधी रात को, और कैदी देख रहे, ये पागल हो गए क्या, इनके पांव काठ में ठुके हुए, इन पे बेंते मारी, पीठ इनकी छिली हुई, कपड़े इनके फटे हुए, और ये आधी रात को क्या कर रहे हैं। पौलुस और सिलास इस बात को जानते थे। भजन संहिता के सभी वचनों को हम पढ़ेंगे। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कौन कह रहा है ये? भजनकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है। हाँ, आगे उसके अगला वचन पढ़ेंगे। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। ये वो लोग है जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़े सक्सेसफुल थे, और कोई भी सक्सेस अपने आप नहीं मिलती, ये उसकी एक आदत है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक सक्सेसफुल बंदा कह रहा है, मैं क्या बोल रहा है वो, एक फिर से वचन पढ़ेंगे, कहता मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। अगर आप क्रिश्चियंस हैं और पूरी रात सोते हैं, मैं आपको दावा करता हूं, लिख के देता हूं, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी और आप जीतेंगे नहीं। आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं बड़ा पवित्रताई में भी हूं, लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है, एक खास तरह की जो एक ब्रेक थ्रू है जो आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। नाइट प्रेयर। डाउट कर रहा, रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई। मेरी वाइफ जानती है रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में आपको मिलूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे लोग देने शुरू किए, और वो लोग जब लाखों में होते गए, अगर आज आप यहां लाखों में बैठे, लाखों ओवरफ्लो में बैठे, लाखों ब्रांचेस में बैठे, जब लाखों लोग हुए, सुनो मेरी बात, तो आप जानते लोगों के दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम, वो भीड़ को कैसे लेते मुझे नहीं मालूम, उनके लिए एंटरटेनमेंट है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुनो मेरी बात। लेकिन मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, मैं प्रार्थना में कम होके, मैं अपने परिवार में बिजी होके, अपने काम में बिजी होके, कि चर्च कौन सा मुझे तनख्वाह देती है, तो मैं अपना काम भी साथ साथ करूं, मैं अपने काम में बिजी होके, अपने परिवार में बिजी होके, इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मेरी प्रेयर 2 घंटे भी है, तब भी परमेश्वर आपको भेजेगा। मैंने ऐसे पास्टर देखे, गलत काम करके भी प्रचार करना नहीं छोड़ते। लेकिन मैं प्रभु से कहा, मैंने कहा परमेश्वर मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूंगा, अगर तू मुझे इतने लोग दे रहे तो मैं घंटों तेरी हजूरी में बैठा करूंगा, ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से यहां उठ के जाऊं, तो वचन तेरे लोगों के हृदय में जाए और दिल में छेद करे उनको। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर, वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, वो 3 घंटे हो सकता है, वो अगर आप पास्टर हैं वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, 2022 में गिरने वाली आपके सामने, यीशु मसीह के नाम।
आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये वो भेद है जो परमेश्वर के लोग जानते थे। किसी का दिल नहीं करता कि उसके पांव में कील ठुके हों, उसके पीठ पर बैंते पड़ी हों, उसकी बेइज्जती हो और रात को वो उठकर प्रार्थना करे, किसी का दिल नहीं करता। लेकिन उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह इमोशनल परमेश्वर नहीं। हम इमोशन से रोएंगे तो वो हमें छुड़ाने वाला नहीं, हमें वचन पे चलना पड़ेगा और वचन के ऊपर हमें आना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, लिखा आधी रात के वो जब वो आराधना कर रहे थे, उस जेल की नींव हिली, सबके बंधन खुले और लिखा वो सारे लोग आजाद हुए। दरोगा डर गया, लोग डर गए, जेलर डर गए, सब डर गए कि ये हो क्या रहा है। अगर आप यीशु मसीह की पावर को एक्टिवेट होता देखना चाहते अपनी लाइफ में, आज से आपको घुटनों पे रात में आना पड़ेगा और नाइट प्रेयर्स आपको करनी पड़ेगी। एक और बच्चा